ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाना है। 25 शेयर मतलब प्राइस दिया, 25 शेयर का प्राइस ऑफ 25 शेयर जो है 80% ज़्यादा है प्राइस ऑफ 20 टेबल, ठीक है। और आपको प्राइस दे दिया 22 टेबल का कितना 10648, और आपको 50 टेबल का प्राइस जो है वो आपको निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो यार आप देखो 22 टेबल आपको वैल्यू दे दी कितनी 10648, एक टेबल की वैल्यू कितनी 428, 20 टेबल की वैल्यू होगी 968। मैंने क्या करा, सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया है हमने उसको यूज़ करा, 22 टेबल दिए थे, 22 टेबल की कीमत कितनी थी 10648, तो एक टेबल कितनी होगी 484, 20 टेबल कितनी होगी 69680, ठीक है। अब उसने बोला 80% ज़्यादा है, 80% की वैल्यू कितनी 5000, वैल्यू कितनी 5 9, ठीक है। अब 5 की अब एक ही टेबल की वैल्यू आपके पास आगे 484, तो आपको निकालने का था, निकाल बोला गया था प्राइस ऑफ 20 टेबल, तो 20 टेबल की वैल्यू क्या आएगी 9680, ठीक है। तो वो किसकी वैल्यू, वो कहाँ पर वैल्यू, वो 80% ज़्यादा है, 80% की वैल्यू यानी ये आपके टेबल आ गया 5, और 5 में 4 ऐड करा जा रहा है, तो मोर बोला ना 9 भी आ गया 6, तो 5 की वैल्यू दी थी कितनी दी थी आपको, क्वेश्चन निकाली हमने 9680, तो एक की वैल्यू गई 136, एक की वैल्यू 136 होगी, 9 की वैल्यू 1744। अब ये 1744 इसकी वैल्यू 25 6 है ना, 25 की वैल्यू करिए 1744, तो आपको निकालने का 50 से, तो आपको 2 मिनट के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही आप समझ सकते हो ऐसे, और ऐसे ही निकाल सकते हो, 25 शेयर की वैल्यू दी आपको ये, ठीक है। आपको बस जैसे आप क्वेश्चन दिया वैसे मोल करना, 22 टेबल की वैल्यू दी थी 1068, एक टेबल की वैल्यू ये आई, 20 टेबल की वैल्यू ये आई, ठीक है। तो 80% मोल यानी 80% मोल यानी 4 से 5, 4 5, तो 5 की वैल्यू आपको दे दी 9680, एक की वैल्यू 1936, 9 की वैल्यू 9 से 8 कर देंगे, ठीक है। तो वो आपकी किसकी वैल्यू होगी, ये आपकी आएगी 25 शेयर की, 25 शेयर की वैल्यू आपके पास ये आएगी 50 शेयर की, आपको निकालेगी तो आप 2 से 8 कर दो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए थे, टेलीग्राम पे क्वेश्चन मैंने टेस्ट डाला हुआ था ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए प्रॉपर वे में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने बीच बीच में क्वेश्चन से किसी से निकाले हुए, ठीक है। उसको बोलो शॉपकीपर जो है वो सोल्ड करता है कोई चीज़ को 5% प्रॉफिट पे, तो ठीक है। तो मैं बोलता हूँ 100 का बेच रहा वो 500 रुपये 105 हो गया, ठीक है। और वो अपनी मार्केट प्राइस जो 25% रखता है, तो अगर मार्केट प्राइस मैं 100 मान लूँ उसकी, ठीक है, तो बस 25% 125, ये तुम्हारा गया मार्केट प्राइस आ गई, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया एस पी आ गया, ठीक है। तो हमें निकाल डिस्काउंट निकाल, तो डिस्काउंट कैसे निकालते, मार्केट प्राइस मैंने सेलिंग प्राइस कितना आया 20, और मार्केट प्राइस 100, 25 5 का 25 4 का 5 4 उसका सिर्फ बनाएगा 16%, ठीक है। आप उसको उस तरीके से निकाल सकते हो, वो उससे भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, आप 16 ऐड करके भी कर सकते हो, उससे भी निकल जाएगा, बट इस ये जल्दी निकाल देगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन निकल के आपको 5% प्रॉफिट दिया हुआ और मार्केट प्राइस दी हुई है, आप ऐसे निकाल देते हो, जल्दी निकल देते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अप साइड दे दिया ट्राइंगल, एरिया साइड ऑफ एरिया ट्राइंगल निकालो, तो निकालो सेमी पेरिमीटर निकालते हैं, सेमी पेरिमीटर जिसे हम ऐसे बोलते हैं, वो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, ठीक है। फिर एरिया ट्राइंगल कौन लगाते हैं, एरिया ट्राइंगल क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रही थी वैल्यू 5 4 और 7, 5 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पुट कर दो अंडर रूट 8 × 8 − 5 कितना आएगा 3, फिर 8 − 4 कितना आएगा 4, फिर 8 − 7 कितना आएगा 1, ठीक है। उसको मैं इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ 4 × 2 × 3 = 4, ठीक है। 4 2 बार आ रहा है तो रूट बाहर आएगा, एक बार आएगा तो अंदर की वजह से ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सर ट्राइंगल वाला क्वेश्चन, तो आपको ब्रेक करना है, ठीक है, ताकि आप जल्दी निकाल सको, क्योंकि ये वैल्यू किसी का यहाँ पे फैक्टर निकालोगे ना तो वो किसी का स्केयर होगा। अभी देखो 4 4 × 4 16 16 किस रूट होता है 4, तो बाहर आ गया, बाकी जो नहीं डिवाइड होता वो अंदर रह गया,
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बोलो प्रीति काम करती है अकेले, प्रीति अकेले काम करती है 30 दिन में, ये प्रीति अकेले काम करती है 30 दिन में, और पायल अकेले करती है 80 दिन में, प्रीति काम कर रही है 30 दिन में और पायल काम कर रही है 90 दिन में, उसका एलसीएम कितना आएगा 90, कितना आएगा 3, कितना आएगा 1, ठीक है। अब पायल जो है वो 18 दिन काम कर रही है, तो पायल 18 दिन कितना काम करोगा, पायल ने 18 दिन कितना काम करोगा, ठीक है, 18 × 1 18 बचा कितना, 90 और 18 मैच करो कितना 72, ठीक है। अब निकालने के साथ जो अब पायल चोट चले की अब निकालने के साथ प्रीति का 3 और 24 दिन लगेंगे, तो प्रीति काम कर रही है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता कि यार टोटल कितने दिन लगे, तो 24 दिन ये लगे 18 दिन लगे, तो टोटल आंसर आना 42 दिन। अगर पूछे टोटल क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में आते हैं कि टोटल आपको पूछ लेता है, ठीक है, तो बस टोटल निकाल लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बड़े सारे एग्जाम में जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलते आगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बोला कि डिफरेंस बिटवीन 40% डिस्काउंट दिया 40%, ठीक है, वो दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए इसमें कितने परसेंट के 30% के, ठीक है। तो जब सक्सेसिव डिस्काउंट निकाला आप इस मैथ इस सर्विस मैथ से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बोला था जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तीन दो सक्सेसिव डिस्काउंट 30% के, 30% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट 30/30 -30 × 30 / सो इजी कैंसिल होगा 60 × 3 = 9 कितना 51%, ठीक है। और एक डिस्काउंट दिया था 40%, डिफरेंस कितना है 11% 220, 1% की वैल्यू नहीं 20, 100% की वैल्यू होगी, 100% की वैल्यू 100% लगा 2000, ठीक है। आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो जो सी वाला बट पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपको डिस्काउंट वाला क्वेश्चन होना सक्सेसिव डिस्काउंट वाला आप इससे निकालो, जल्दी बढ़ सारे क्वेश्चन जो है जल्दी निकल जाएंगे इससे, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती, क्योंकि उसमें उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, बहुत मतलब कन्फ्यूज हो जाती है, वैसे आप वैसे नहीं खा सकते। 30% की डिस्काउंट दिया 10 से 7 लेकिन 100 लेकिन 49 लेकिन मुझे ज़्यादा 51 है, उसको 100 51% से एक डिस्काउंट आया, दूसरा डिस्काउंट दिया 40%, उसका डिफरेंस की गया क्वेश्चन में 220, तो बस ये निकालना है। अगला क्वेश्चन दिया है, बोला सीपी जो 10% कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है कि 20% बढ़ रहा है, 5-6 और 50 और 54, फाइनल वैल्यू आपको दी 5540, 10% लगे इसको 10% लगे रोक नहीं गया 500 या 500। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन टेलीग्राम पर डाले होंगे PDF की फॉर्म में, क्वेश्चन कैसे करोगे टेक्स्ट से नहीं पाओगे यहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला कि एक राइस है वो 3500 किलो की एक राइस है, एक है आपका 3500 किलो, ठीक है, उसको इस रेशियो मिक्स करा ये 2:1:2, ठीक है। तो आपको थर्ड मिक्सर नहीं दिया होगा बट मैं आपको आपको कंबाइंड मिक्सर दे दिया, कितना कंबाइंड मिक्सर दे दिया 42 per kg, तो आप निकालो 3500 मिक्सर है per kg, अगर 3500 किलो मिक्सर है अगर 2 किलो लिया आपने तो कितना होगा 70, 36 वाला 1 किलो लिया तो कितना 38, दो तीसरा निकाल 2x = कितना है 42 × 5, ये बना 210, ये बना आपका 108, 2x, 2x की वैल्यू नहीं 102, इसकी वैल्यू नहीं 51, ठीक है। अगर x की वैल्यू 51 आई तो हम निकाल गए, बस यही निकाल थर्ड मिक्सर निकाल, अगर ये निकल गया आपका आंसर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन की है वो भी समझाता हूँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अभी बहुत है, अभी फिर भी एक लेक्चर और रिकॉर्ड करा होगा, पहले वो लेक्चर आएगा उसके बाद ये लेक्चर आएगा आपको, ठीक है। तो दोनों लेक्चर है, बोला दो मैंने दिए, दो मैंने काम कर रहे हैं, 6 दिन
दो मैं काम करें 6 दिन में और तीन वुमेन काम कर 4 दिन, तीन वुमेन काम कर 4 दिन, ठीक है, तो दो दुने ठीक है तीन दुके, तो दो से दो कैंसिल हो गए, तो मैंने कहा वुमेन कैसे भी नहीं एक बाय एक, ठीक है, अपने कहा लगा एक मैन और दो वुमेन, एक मैन कितना एक इंटू एक कितना एक, तो दो दो इंटू एक कितना दो इंटू, ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन जो निकाल रहा ना उस पर पुट करने की वजह एक मैन दिया तो एक इंटू एक एक आ गया, दो इंटू एक दो ही आ गया, ठीक है, तो एक नंबर 3x बन गया, ठीक है, अब जो निकालना उसमें पुट कर दो जहाँ पुट कर दो, ठीक है, दो इंटू मैन मैन के अपने कितने एक इंटू छः, ठीक है, तो फिर हमारा 12x वैल्यू नहीं 4, ठीक है, अब आप यहाँ भी ए वैल्यू ना आप इसी वैल्यू से नहीं आंसर निकाल सकते 3x, अब यहाँ मूवमेंट के अपने कितने एक 3 × 1 × 4 तो ये तभी ये बने 3x वैल्यू टू 12 4, चाहे आप पहली क्वेश्चन पूछ लो चाहे दूसरी क्वेश्चन पूछ लो आपका आंसर सेम आएगा, आप तो सिर्फ एक ही एक में ही पूछ करना, दोनों में ही पूछ करना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं यार, अभी थोड़े क्वेश्चन रह गए हुए तो मैं आपको अलग लेक्चर लेके समझा दूँ, एक सेम क्वेश्चन है वो समझा देता हूँ इस टाइप का, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है, वीडियो को लाइक कर रहे हैं बड़ा एफर्ट लग रहा है जितना वो था ये काम कर तो नहीं और एक बार की कर रहे हैं 7 और 2 दिन, ठीक है, अब देखो जब आपको फ्रैक्शन आ जाती है तो ये घबराना नहीं है, आपने के पास देखना क्या है 7 और 14 का एलसीएम क्या होता है, 7 और 14 का एलसीएम होता है 14 14 लिख दो 14 को 14 से बड़े होगी नहीं आएगी, अब 14 को आपने 7/2 डिवाइड होगा ना उत्तर में हो गया कितना है 4, ठीक है, अब देखो ए प्लस बी की एफ एफ कितनी है 4, इसमें ए की एफ सी कितनी है 1, तो बी की एफ सी कितनी होगी 3, तो निकालना क्या है बी की एफ बी अलोन तो 14/3 आंसर आ गया, बस ये क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आया ना आपको बस ऐसे ही करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकी में डिविजिबिलिटी वाले रह जाएंगे वो अलग से लेक्स वो मैं जब नेक्स्ट लेक्स करूँगा वो फिर उसमें कवर करूँगा, मतलब 20 वुमेन और 15 मैन काम करते हैं 6 दिन में, ठीक है, और एक सिंगल वुमेन एक वुमेन जो है वो 150 दिन में काम करती है, ठीक है, 6 × 25 का तो 20 वुमेन + 15 मैन = 25 वुमेन, तो कितना बीस वुमन इधर लेगा कितना 5 वुमन = 15 मैन, ठीक है, तो कितना है वुमन और मैन कितना आएगा, जैसे इसको ऐसे कर दो यार 15 मैन है ना, ठीक है, तो 15 मैन = कितना है 20 में 5 निकाले 5 वुमन, ठीक है, तो मैन और वुमन कितना आएगा 1/3, ठीक है, अब निकालने का था सिंगल मैन है एक यानी 1 × x, ठीक है, अब इसमें पुट कर दो 12 वुमन यानी सॉरी 20 वुमन यानी 20 × 3 कितना 60 + 15 × मैन की कितना 15 = 6, तो ये कितना 3 × 6 कितना 450 450, ठीक है, इसको इस टाइप के क्वेश्चन आप सिर्फ मैंने एक्सपीरियंस से निकालनी है उसको क्वेश्चन में पुट करना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो बाकी अभी इतना ही, थैंक यू गाइस, लव यू।